इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बताएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है, ये बात उन्होंने कही। बड़ौदा में बीजेपी की जीत पक्की है, हमारा उम्मीदवार सबसे मजबूत है, ये दावा उनके द्वारा ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा किया गया। बड़ौदा का ये चुनावी रण जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा यहां पर करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कैंडिडेट बेहद मजबूत है, हमारी ही जीत होगी। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के लिए बड़ौदा चुनौती, बीजेपी के लिए यह एक अवसर है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं, कांग्रेस का झूठ बीजेपी सरकार कभी नहीं बिकने देगी। ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के लिए बड़ौदा चुनाव एक चुनौती है लेकिन बीजेपी के लिए बड़ौदा चुनाव एक अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने सबसे उत्तम उम्मीदवार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की चाबी केवल बीजेपी के पास है जबकि विरोधी दल बयानबाजी करके चुनाव के बाद आएंगी। साथ ही साथ कृषि कानून पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि निश्चित रूप से एमएसपी जारी होगी, और यहां पर इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। तो कांग्रेस के लिए है क्योंकि कांग्रेस की पहले सीट थी, हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए अवसर उपलब्ध है, बदलेगा। दूसरी बात, हम विकास करना चाहते हैं बड़ौदा में, और विकास की चाबी हमारे पास है क्योंकि चार वर्षों तक जो शासन है वो बीजेपी का है, केंद्र में भी और राज्य में। चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का बयान सामने आया, जनता को विकास का रास्ता अपनाना होगा, ये उन्होंने बात कही। विकास का रास्ता अख्तियार करना होगा, बीजेपी का विधायक होगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, गुहाना बदतर से खुशहाल नजर आ रहा है, ये बात सांसद ने कही है।